अखंड भारत लक्ष्य साइकल यात्रा आरंभ करिछंती उत्तर प्रदेश युव जोगी शिवम सनातनी। जोगी शिवम सनातनी ओडिशा गस्तरे आसी आज भद्रक चंदबली रे पहुंचिछंती। अखंड भारत लक्ष्य नहीं से साइकल यात्रा करिछंती। भद्रक जिलारु बेलेश्वर देई पश्चिमबंग यात्रा करिवे बोली श्री सनातनी प्रकाश करिछंती। ओम नमः शिवाय। हम शिवम सनातनी अखंड भारत की साइकिल से यात्रा कर रहे हैं और अभी हम भद्रक में पहुंचे हैं, उड़ीसा के भद्रक जिला में, और हमारी यात्रा अखंड भारत की है। अर्थात अखंड भारत का अर्थात आज के भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जो देश हैं सबको मिला करके अखंड भारत हमारा बनता है। तो इन सबकी हम यात्रा कर रहे हैं और हमारी यात्रा का उद्देश्य है नवनिर्माण अखंड भारत, अर्थात पुनः अखंड भारत बने। जो 1857 के समय अखंड भारत था वो हमारा अखंड भारत, अभी का जो भारत है वर्तमान के बाद एक खंडित भारत है। अखंड भारत का अभी का सिर्फ जो भारत है 80% हिस्सा तो दूसरे देश के पास है और अभी का जो भारत है 20% है। तो हम साइकिल से लोगों को उस उद्देश्य देते हैं कि अखंड भारत का निर्माण हो। पहले जब अपना अखंड भारत था तो सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्वगुरु कहलाता था, विदेश से लोग फॉरनर आते थे अपने यहाँ पढ़ने के लिए और यहाँ पर सब लोग समृद्ध होते थे और हर जगह खुशहाली थी। अभी का जो भारत है तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, कितनी बेकार हालत पाकिस्तान की हो रही है, अफगानिस्तान की हालत जानते ही हैं और उधर श्रीलंका की हालत भी ख़राब है। तो लगभग सारे देश की हालत ख़राब है। अगर ये सारे देश अपने अखंड भारत फिर से निर्माण हो जाता है तो सारे देश संपन्न हो जाएंगे और हमारी यात्रा भी सफल मानी जाती है। तबे आज से चांदबली रे पहुंचिबा पड़े चांदबली रे आरएस कर्मी माने तांकु भव्य स्वागत करथिले। एही साइकिल यात्रा माध्यम रे से भारत वर्ष रे अखंड भारत जागरण सृष्टि तांकर लक्ष्य बोली से प्रकाश करिसंती। भद्रक जिला चांदबली ब्लॉक रु बापिना तराई को रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।